नमस्कार दोस्तों, होप करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी होम टूर करवाओ, तो आज मैं आप लोगों को होम टूर करवाती हूँ। तो चलिए। तो दोस्तों, वेलकम टू माय होम टूर। सबसे पहले बाहर से शुरू करते हैं। ये हमारा घर है और ये है गेट, और गेट के सामने दो लाइट लगी हुई है। और यहाँ पर है फर्श, जो कि थोड़ी सी जगह बची है कार वगैरह के लिए, जैसे कि कार, बाइक और एक्टिवा के लिए। और यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है, हमारे गेट के सामने से बाहर की ओर दिखता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब चलते हैं अंदर। सबसे पहले हमारा ड्राइंग रूम आता है, और अभी हमने सोफ़ा वगैरह नहीं ख़रीदे हैं, दिवाली से पहले पहले ख़रीद लेंगे। तो यहाँ पर जो पेंट किया है पापा जी और ने किया, और स्टिकर लगाए हुए हैं ट्री के, तो काफ़ी अच्छा लग भी रहा है। और यहाँ से बाहर की ओर दिखता है, ये खिड़की बनाई हुई है डिज़ाइन वाली। तो ये हमारा ड्राइंग रूम है। तो अब अंदर की ओर चलते हैं। और यहाँ पे जो जगह बची हुई है, यहाँ पे हम लगाएंगे डाइनिंग टेबल, खाना खाने के लिए यहाँ पे लगाएंगे हम डाइनिंग टेबल, और उसके बगल में हमारा किचन। तो चलिए किचन में चलते हैं। तो ये हमारा प्यारा सा किचन है, यहाँ पे हमने फ्रिज रखा हुआ है, और RO भी लगा लिया है हमने, क्योंकि साफ़ पानी पीने के लिए चाहिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक चिमनी है, धुआं वगैरह भगाने के लिए, जब हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो उसका धुआं भगाने के लिए। और यहाँ पर किचन स्टैंड ट्रॉली बनाई हुई है वुड वुड की, ये नीचे जो आपको अभी दिखेगा, ये देखिएगा, ये लकड़ियों की बनी हुई है। तो इसमें हमने बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, अलग अलग बर्तन। तो यहाँ पे कड़ची वगैरह है, और यहाँ पर है गिलास वगैरह, कटोरी, और यहाँ पे है थाली, देखिए अलग से थालियाँ रखी हुई हैं। और यहाँ पे कुछ और बर्तन हैं, जैसे कढ़ाई हो गई, प्रेशर हो गए, यहाँ पे रखे हुए हैं, केतल हो गई। और यहाँ पे हमने टंकियाँ रखी हुई है, जैसे आटा चावल की। और यहाँ पर कुछ इस तरह से बर्तन वगैरह धोने के लिए, और टाइल्स भी काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो ऊपर जगह बची है, तो वहाँ पर हम और शिफ्ट करेंगे बर्तन वगैरह रखने के लिए। तो अब चलते हैं वॉशरूम में। ये हमारा वॉशरूम है, ये देखिएगा, एक बाहर के लिए बनाया हुआ है हमने वॉशरूम, एक कमरे के अंदर है। तो देखिए यहाँ पे दांत वगैरह साफ करते हैं हम। और चलते हैं अब अपने कमरे में। तो ये हमारा कमरा है, यहाँ पर अभी एक बेड लगा है, क्योंकि अब डबल बेड लाएंगे हम। और यहाँ पर अलमारी भी बनवाई हुई है हमने, दो दो अलमारियाँ, और ये तो हम घर से लाए इस अलमारी को। देखिए ये हमारा रूम है, मैं और गुंजन सोते हैं इस रूम में। और देखिए अलमारी, काफ़ी बड़ी बड़ी अलमारी है, इसमें हमने कपड़े वगैरह, बिस्तर वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ से खिड़की से कुछ इस तरह से दिखता है बाहर का नज़ारा। और अब हम चलते हैं मम्मी और के कमरे में। तो ये मम्मी और का कमरा है, देखिएगा। तो ये मम्मी और का कमरा है, और यहाँ अंदर है वॉशरूम।
अंदर ही है, और यहाँ पर भी बनवाए हुए हैं अलमारियाँ दो दो। तो ये है वॉशरूम, अंदर ही है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मम्मी पापा अपने दांत साफ करते हैं, और यहाँ से कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये है अलमारियाँ, यहाँ भी दो दो अलमारियाँ बने हुए हैं, और इस रास्ते से जाएंगे हम बाहर। तो चलिए बाहर चलते हैं। ये हमारी बालकनी है, लेकिन हम यहाँ पर धोते हैं कपड़े वगैरह, और यहाँ पे कुछ इस तरह से है, और यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है, ये देखिएगा। तो इसी रास्ते से मैं ऊपर वाले कमरे में भी जाऊँगी। तो चलते हैं ऊपर वाले कमरे में, देखिए शॉर्टकट, अंदर से घूमकर जाना पड़ता है और यहाँ से भी घूमकर जाना पड़ता है। तो चलते हैं फटाफट। तो खिड़की, तो मैं चाबी ले लेती हूँ यहाँ से। तो मेरे हाथों में चाबी आ चुकी है, ये देखिए चाबी, और ये है सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। तो फिलहाल अभी हमारा ऊपर एक ही कमरा है, तो वहाँ गुंजन ने अपने मशीन और टंकियाँ रखी हुई है। तो देखिए बाहर का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, और चलते हैं यहाँ भी। तो यहाँ ताला लगाया है हमने, क्योंकि यहाँ कुछ काम है नहीं अभी, तो जल्दी से खोलते हैं ताला। तो देखिए ये है कमरा, जो कि छोटा सा है लेकिन प्यारा सा कमरा है। तो गुंजन अब से यहाँ सिलाई करेगी। होप करती हूँ आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा हमारा कमरा। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा हमारा होम, तो कुछ लोगों को पसंद आया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा पसंद, तो कोई बात नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ यू विद गुड हेल्थ।